गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिविक्स पार्ट वन पढ़ चुका है। सिविक्स में चैप्टर थ्री नीड फॉर गवर्नमेंट, इसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में जाना और गवर्नमेंट का क्या क्या काम होता है, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, फंक्शन, इन दोनों के बारे में हम सबों ने जान लिया है। तो आज हम लोग इसके आगे पार्ट टू पढ़ेंगे, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितने तरह के होते हैं? तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, मोनार्की गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या है? द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है। जैसे कि हमारा देश इंडिया, हमारे देश इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं, वोटिंग के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा, और उनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड, उनको रिप्रेजेंटेड करते हैं। वे आगे चल के गवर्नमेंट बनाते हैं और वही लोग हमारे ऊपर क्या करते हैं, रूल करते हैं, शासन करते हैं। तो डेमोक्रेसी कंट्री में जो भी पावर होती है वो लोगों के हाथों में होती है, सिटीजन्स के हाथ में होती है। अगर लोग अपने चुनी हुई गवर्नमेंट के कामों से खुश नहीं होते हैं तो वो सरकार को, गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, अगले इलेक्शन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोनार्की गवर्नमेंट। मोनार्की गवर्नमेंट क्या होता है? हेडेड किंग और क्वीन। मोनार्की गवर्नमेंट में, इस टाइप का गवर्नमेंट में रूलर जो होता है राजा या रानी होता है। तो अपने देश को कौन गवर्न करता है मोनार्की गवर्नमेंट में? किंग और क्वीन। इसमें जितने भी पावर होती है वो राजा और रानी के हाथों में होती है, राजा और रानी के हाथों में होती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह के इलेक्शन नहीं होते हैं। अगर राजा या रानी की डेथ हो जाए तो उनके घर के एल्डर्स चाइल्ड होते हैं तो वो रूलर बन जाता है। जो भी राजा या रानी डिसीजन लेते हैं वही सारे देश में मान्य हो जाता है, यानी कि उसी के बातों पर चलते हैं। इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यहाँ पर है कि ऑल द पावर रेस्ट विद द मोनार्क, यानी कि जो भी पावर होती है वो किस पर होती है, राजा या रानी के ऊपर होती है। आगे है डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। ये मोस्ट डिजायरेबल होता है, यानी कि डिक्टेटरशिप को क्या कहा जाता है, तानाशाही कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन, अ पर्सन स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अ पीपल रूल द कंट्री, यानी कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का ग्रुप पूरे कंट्री को क्या करता है, रूल करता है अपने ताकत के द्वारा। सारे पावर उसी व्यक्ति के या कुछ व्यक्ति के होती है, वे अपने मर्जी से क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करती है। नो इलेक्शन वन हेड, यानी कि यहाँ पर अपनी मर्जी से काम होती है और कोई इलेक्शन नहीं होती है। और इसमें क्या होता है कि एक ही हेड होता है। नो इलेक्शन वन हेड, इलेक्शन नहीं होता है और इसमें बहुत सारे लोग मिल करके चलाते हैं शासन। तो अपने ही मर्जी के काम करती है, जैसे कि हिटलर हो गए जर्मनी के, है ना, तानाशाह थे। तो वो एक तानाशाह थे, यहाँ पर किसी तरह के इलेक्शन नहीं होते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन
तो इसमें क्या होता है, एनी डिसीजन द गवर्नमेंट टेक्स हैज टू इन्वॉल्व ऑल द ग्रुप्स इन द स्टेट, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट अकेले डिसीजन ले सकती है, उससे सारे ग्रुप्स के साथ और सारे स्टेट के ग्रुप के साथ कंसल्ट करना पड़ता है और उस डिसीजन के सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स को इवेल्यूट करना पड़ता है कि जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं वो लोगों को कितना क्या करता है, वेलफेयर देता है, तभी गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। व्हेन ऑल द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव द राइट टू वोट, यानी कि ये इसके अंडर जितने भी एडल्ट है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर जितने भी एडल्ट हैं, एडल्ट सिटीजन हैं, यानी एडल्ट का मतलब है जो 18 इयर्स का हो या तो 18 इयर्स से एबव हो, उन सभी क्या करना है, उन सभी को वोट डालने का अधिकार है, उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, उन्हें अपनी गवर्नमेंट चुनने का क्या है, अधिकार है। नेक्स्ट, द सफरेज मूवमेंट। अब सफरेज मूवमेंट क्या होता है, सफरेज मूवमेंट हैज स्टार्टेड बाय वुमेन इन द ईयर 1848 इन USA टू गिव राइट्स टू द फ्रीडम टू वोट। तो बच्चों, सबसे पहले सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो किन लोगों को अधिकार था, सिर्फ मेंस को, यानी कि आदमियों को वोट देने का अधिकार था, और वो भी पावरफुल होते थे, जो अमीर होते थे, जो विद्वान होते थे और जो पढ़े लिखे होते थे, सिर्फ उनको वोट देने का अधिकार था, वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। और यहाँ पर ना तो गरीब लोगों को अधिकार था, गरीब लोग भी वोट नहीं दे सकते थे क्योंकि वो उनको इस लायक नहीं समझते थे, लेकिन वुमेन्स ने इसके आगे क्या किया, एक मूवमेंट किया, उसे किया कि हमें भी आदमियों की तरह वोट देने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो इसी समय से सफरेज मूवमेंट वुमेन के द्वारा कहाँ पर शुरू किया गया, ईयर 1848 में USA में इसका अधिकार वुमेन्स को दिया गया। तो हम भी, इन लोगों का सोच किया था वुमेन का कि हम भी आदमियों की तरह एक अच्छे काम कर सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं, इसलिए वुमेन्स ने क्या किया, एक मूवमेंट खड़ा किया और उस मूवमेंट का नाम ही क्या है, सफरेज मूवमेंट। तो सफरेज मूवमेंट का स्टार्ट हुआ 1848 में, यानी कि इन लोगों को फिर इसका अधिकार दिया गया। तो हम लोग सफरेज मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद 1848 में वुमेन्स को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो वोट देने का अधिकार हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कब इसको राइट्स दिया गया। तो अमेरिका ग्रांटेड वोटिंग राइट टू वुमेन इन 1920। अमेरिका में वोट देने का अधिकार 1920 में दिया गया, फॉलोड बाय UK इन 1928। UK में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में 1928 को, फ्रांस इन 1944 एंड जापान इन 1945। तो फ्रांस में 1944 में राइट्स दिया गया वोट देने का और जापान में 1945 को। थैंक यू।